रावे रावे ओम नमो ते भगवते श्रीमते पवित्र चतुर कॉलेज कलेश्वर जलाती अभिषेक मार्गियम निरुपामिति श्रीवीतरागाय नमः ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्री पार्श्वती शंकराय द्वादश गण परवेशिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयं भवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमयी व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय त्रैलोक्यवशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणि धरणेन्द्र भण्डामंडल मंडिताय ऋष्यारिका सबके सबका प्रमुख संगोप स्वर्ग विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय अघाती कर्म विनाशनाय श्री चंद्रेश कुमार जी भारती जैन अरिन एवं अनय जैन श्री नरेंद्र कुमार जी चंदा जी जैन दीपक सालनी पंकज सुमन स्पर्श पावनी पर्व समस्त भगवान परिवार श्री चक्रवर्ती समस्त परिवार सौदरविंद समस्त परिवार समस्त इंद्रगणा श्री विपिन कुमार चक्रवर्ती सपरिवार सुनील कुमार जी सपरिवार से सकल इंद्रेन्द्राणी सपरिवार किनारा है शरण में जो भी आता है उसे ये पारी लगाता है शरण में जो भी आता है उसे ये पार लगाता है सोना सस्ती सस्ती श्री अजिता श्री संभ सस्ती सस्ती श्री अभिनंदना श्री समति सस्ती सस्ती श्री पद्म प्रभ शिशु पास सस्ती सस्ती श्री चंद्र प्रभ सस्ती श्री अर्धाता श्री मंदिर सस्ती सस्ती श्री मंदप्रता गायना बड़ा प्यारा जो भक्तों को किनारा रे शरद में जो भी आता है उसे ये पार लगाता है यदि पुष्पांजलि क्षेपामि श्री क्रियाशु परमहर्षयो नाम स्वस्ति क्रियाशु परमहर्षयो नास्वादि नक्षत्रण विलोकितानि क्रियाशु परमाशयो श्री क्रियाशु परमाशयो नंखानलो वीरा पुरी चारिणावा श्री क्रियाशु परमाशयो नणिमिनी दक जा कुछ नामिनी दक मिनी शक्तिमिणी क्रियाशु परमाशयो न सकामि रूप तु वशिष्ठ मह्यम सकामि मन्त्रति वदामि माता सदा प्रतिगत गुण प्रदान त्रिभुवन नामी सबके स्वामी दोष अरो न्याय करिके प्रभु दया करो जय 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 गुरुदेव जय जय सुगल अति पर अखंडित भी जा परम
पद देव शास्त्र गुरु की। पैदा दो मदाणिया प्रीतम सागर जी, वो प्रीतम सागर जी महाराज बता दो मदा आगणिया आगणिया गो गुरुवर आगणिया आगणिया गो गुरुवर आगणिया वो प्रीतम सागर जी, वो प्रीतम सागर जी आओ महाराज बता दो मारा आगणिया। जीवी नयवंत सुबह मयूर अंबुज प्रकाशन भानुए जे एक मुख चारित्र वासित त्रिजग माई प्रदान है। पशु कोदल काम मावल बात कहत खल मोलिया शरदाओ भोल चढ़ाओ भक्ति बनाओ प्रभु अंतरयामी त्रिभुवन नामी सबके स्वामी दोष अरु अरज सुनीजे धीर न कीजे न्याय करी प्रभु दया करो। जय 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 जिन दे जय 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 जिन दे जय 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 जिन दे विधि भांति परिपल्लक भर विवरि जासि आदि जासों को जो परम पद देव शास्त्र गुरु तीन। जय 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 जिन दे जय 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 गुरु दे जय 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 जिन दे जय 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 जिन दे पर प्रकाश की ज्योति अति दीपक तम करगी जा सबको जो परम पद देव शास्त्र गुरु तीन। जय 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 जिन दे जय 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 गुरु दे हे जी प्रभु पूजन में हर सुख गए जी प्रभु पूजन में हर सुख गए बिन पूजन रहो न जाए आते मन चलो तो पूजन करे आवे मेरे पूजन के गे मावे आते मन चलो तो पूजन करे आवे एजी पूरब चंदा प्रभु बसे एजी पूरब चंदा प्रभु बसे और पश्चिम पारस नाथ आत्मन चलो तो पूजन करे आवे मेरे पूजन के पावे आत्मन चलो तो पूजन करे आवे जिनवर के गुण गाना है निर्मल भाव बनाना है। जिनवर के गुण गाना है निर्मल भाव बनाना है। जिनवर के गुण गाना है निर्मल भाव बनाना है। जिनवर के गुण गाना है निर्मल भाव बनाना है। दर्शन पाना है सम्यक दर्शन पाना है। सम्यक दर्शन पाना है सम्यक दर्शन पाना है। रत्नत्रय को भाना है मंजिल अपनी पाना है। रत्नत्रय को भाना है मंजिल अपनी पाना है। प्रभु की पूजा से हो प्रभु की पूजा से ये सब मिल जाए
जीवन है पानी की वो कब मिट जाए रे हो जीवन है पानी की वो कब मिट जाए रे अनहोनी कब क्या कट जाए जीवन है पानी की वो कब मिट जाए रे हो जीवन है पानी की वो कब मिट जाए रे जब हम अनंत भगवान की आराधना करते हैं अनंत भगवान भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म इन सभी से रहित है इनमें कहीं भी उनका भाव नहीं जाता ना द्रव्य कर्म में जाता है ना भाव कर्म में जाता है ना नो कर्म में जाता है। इस कारण हम जब उनकी आराधना करते हैं तो हमारे परिणाम निर्मल हो जाते हैं क्योंकि निर्मलता उसे ही कहते हैं जहां द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों से रहित आत्मा हो उसे निर्मल कहते हैं। पानी में कोई मल ना हो तो पानी को निर्मल कहते हैं और आत्मा में तीनों प्रकार के मल ना हो तो आत्मा को भी निर्मल कहते हैं। तो निर्मल कहाँ होती है आत्मा? वो घर में व्यापार में यहाँ कहीं भी निर्मल नहीं होती। निर्मल होती है तो भगवान की आराधना में और भगवान के ध्यान में निर्मल होती है। इसलिए सवेरे उठ करके हमें सबसे पहले अपनी आत्मा को निर्मल बनाना चाहिए मल रहित बनाना चाहिए और जब निर्मल हो जाते हैं तब हमारा मन अत्यंत प्रसन्न होता है। और ध्यान रहे प्रसन्नता में कोई भी धर्म का कार्य किया जाए कई गुना ज्यादा होकर के उसका फल होता है। जब हम प्रसन्न होते हैं प्रसन्न होते में आप कोई भी धर्म का कार्य करें बहुत फलदायी हो जाता है। सबसे ज्यादा प्रसन्नता या तो भगवान की आराधना में होती है या फिर साधुओं को आहार देते समय होती है। सबसे ज्यादा प्रसन्नता यहां तक है कि भगवान के गुणगान से भी ज्यादा प्रसन्नता साधुओं को आहार देते समय होती है क्योंकि वहां मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि कितने निर्मल परिणाम होते हैं। कोई व्यक्ति कहे नहीं हमें आहार देना है हाँ तुम दे लो लो हम दे रहे तुम दे लो और मंदिर में कोई तुम्हारी थाली खींच ले तो गुस्सा आ जाती है। मंदिर में तुम्हारी थाली में से कोई चार बादाम उठा ले तो पर देखो तुम कैसी निगाह से देखते हो। और चौके में अगर कोई तुम्हारी कटोरी लेकर के दो हार देने लगे हाँ दे लो तो निर्मल परिणाम कहाँ है? चौके में निर्मल परिणाम है पूजन से। यहां तो तुम्हें गुस्सा भी आ सकती है चार बातें भी कह सकते हो लेकिन वहां कुछ भी नहीं बोलते बिल्कुल हाथ जोड़े खड़े रहते। जिसका चौका होता है वो तो ऐसा शांत खड़ा रहता है जैसा इसका कोई है ही नहीं। वो ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता डर के मारे पता नहीं उसे कौन सा डर लगता है। मुझे कहता है भैया सब लोग हार दे लो अंतराय ना हो वो हाथ जोड़ लेता है और किसी से भी नाराज नहीं होता। कितने भी लोग हार देने आ जाए बेचारा वो चुपचाप खड़ा रहता है। और मंदिर में देखो तुम्हारी ताली में से कोई चावल तो उठा के देख ले तुम उसका हाथ ही पकड़ लो। तो हम ये कहें कि यहां से ज्यादा निर्मल परिणाम कहाँ होते हैं? आहार देते समय। उस समय आप कुछ भी विचार कीजिए बहुत जल्दी उसकी पूर्ति हो जाती है। ऐसे ही भगवान की आराधना करते समय हमारे मन की कामना तत्काल पूर्ण हो जाती है। फिर आप कुछ भी कामना करें फिर आपकी सोच है आप लाख रुपए मांगे करोड़ मांगे अरब मांगे और रत्नत्रय मांगे मोक्ष मांगे ये आपके ऊपर है। आप क्या मांगते हैं आप क्या चाहते हैं आप किसे पसंद करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमने भगवान की आराधना की हमने तो रत्नत्रय मांगा मिल गया अब बताओ तुमने क्या मांगा। हमने जो मांगा वो हमने बता दिया अब तुम बता दो तुमने क्या मांगा। हमने गुरुजी मांगे थे गुरुजी ऐसे मांगे जाते हैं अपने लिए मांगो तो हम क्या मांगते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तुमने क्या मांगा है मुझे मालूम है हमने क्या मांगा है तुम्हें मालूम चल गया है तुमने क्या मांगा है हमें सबकी मालूम है।
अगर तुमने जो मांगा होता, अगर तुमने संयम मांगा होता तो संयम ही होते, तुमने संयम मांगा ही नहीं है। तुमने तो ये मांगा है हमारे घर में शांति बनी रहे, यही मांगा होगा। घर में की शांति रहती है, घर शांति के लिए होते ही नहीं है। शांति के लिए घर का त्याग होता है और अशांति के लिए घर होता है। अब घर में ही शांति मांगते हैं। आइए देव सात गुरु की पूजन में आप देखते हैं मुख्य पूजन, सर्व श्रेष्ठ पूजन और मुख्य पूजन देव सात गुरु की पूजन है। ये पूजन आवश्यक है, अन्य पूजन हो भी ना भी हो लेकिन देव सात गुरु की तो होना जरूरी है। दाल रोटी थाली में होना जरूरी है, पापड़ हो या ना हो वो होना जरूरी है, मीठा हो या ना हो, रसगुल्ले हो या ना हो, दाल रोटी होना बहुत जरूरी। एक बार गुरुदेव आहार कर रहे थे, भिंड की बात है, सर्दी के दिन थे, सारे लोग अपनी अपनी चीज लाए, कोई रेवड़ी लाए, कोई गजक लाए, कोई कुछ लाए, सर्दी में तो यही चीजें होती है, और सब लोग वही देते रहे, कोई गजक, कोई रेवड़ी, कोई गुज, कोई कुछ, कोई पपड़ी बना के लाते, तिल की पपड़ी, वही देते रहे। अब आचार्य श्री बोले रोटी तो कोई दे ही नहीं रहा है, सब जेही जेही दे रहे और जेही जेही देते रहे देते रहे। अब आचार्य श्री गए, ये ग्रास तो आ ही नहीं रहे, अब क्या करें, अब मांग सकते नहीं है, कह सकते नहीं है, और कोई नहीं माने, भाई अपना डब्बा खोले, भाई अपना डब्बा खोले। तो आचार्य श्री ने अब क्या करें, अब ये रोटी ग्रास दे ही नहीं रहे हैं। तो आचार्य श्री ने जल लिया, जल लेने के बाद फिर हाथ किया तो फिर ग्रास नहीं दिए, फिर वही देने लगे। अब बहुत सारे लोग थे, बहुत भीड़ बहुत थी, तो आचार्य श्री अब बोले अब क्या करें, अब ये दे ही नहीं रहे हैं तो जो दे रहे हैं वही लो। और ले करके जब हाथ धो करके बैठ गए और अब लोग आए, बोले आपने महाराज ग्रास तो लिया ही नहीं। बोले ग्रास तुम्हारे चौके में थे ही नहीं। मैं नहीं थे, तो बोले तुमने दिए ही नहीं तो हम कहां से लेते, तो तुमने दिए क्यों नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि मूल भोजन क्या है, दाल रोटी। कहते हैं शरीर काय का कीड़ा है, अन्न का, अन्न नहीं मिले तो टन नहीं होता, टिन हो जाता है। अन्न ना मिले और चीजें मिले तो टुन, और अन्न मिल जाए तो टन, वो बिना अन्न के नहीं मानता है। इसलिए शरीर अन्न का कीड़ा है, बिना दाल रोटी के पेट कभी भरता, तुम कुछ भी खा लो पेट नहीं भरेगा, पेट भरेगा तो। ऐसे ही पूजन देव शास्त्र गुरु, देव में पांचों परमेष्ठी हैं, गुरु में तीन परमेष्ठी हैं, देव में दो परमेष्ठी हैं, पांचों परमेष्ठी और जिनवाणी, सबकी पूजा हो गई। इनसे ऊपर कोई है नहीं, पंच परमेष्ठी से श्रेष्ठ दुनिया में कोई है ही नहीं है, इसलिए इनकी ही आराधना की जाती है।